तो कृषि कानून के विरोध में जहां पिछले 21 दिनों से हरियाणा और पंजाब और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, वहीं अब मुजफ्फरनगर में खाप चौधरियों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए दिल्ली के रुख करने का मन बना लिया। मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक गांव सोरम में हुई 84 खाप चौधरियों की पंचायत को दिल्ली घेरने का निर्णय लिया। बालिया खाप के चौधरी चौधरी नरेश टिकैत और लाठिया खाप के चौधरी वीरेंद्र सिंह लोटन के नेतृत्व में आज किसानों की राजधानी सिसौली से खाप चौधरियों का एक बड़ा जत्था दिल्ली के लिए निकल पड़ा है। बालिया खाप के चौधरी नरेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चैलेंज करते हुए चुनौती दी है। अब तक दिल्ली की 26 जनवरी गणतंत्र परेड दिवस में नकली झांकियां निकाली जाती थीं, इस बार खाप चौधरी और किसानों की झांकियां भी 26 जनवरी परेड में शामिल हो। अगर सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती तो आने वाले चुनाव में भाजपा को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो तो आने वाले कल के बारे में क्या पता क्या हो क्या नहीं। खाप चौधरी तो एक सुलझाने की बात करे, एक सुलेनामे की बात करे अच्छी तरह से, भाई समाज जो समाज की जिम्मेदारी खाप चौधरी पे है, तो वे समाज को भी वो नहीं करते कि भाई समाज कई रास्ते तो विचलित हो। तो खाप चौधरी को तो समय समय पे इसी तरह की जिम्मेदारी रही, जैसे सोरम की चौपाल है तो उस पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाए, ऐसी कोई आपात स्थिति में वहां से बहुत अंग्रेजी शासन तभी पहले इस तरह के निर्णय लिए जा। कुछ नहीं है तो किसानों के बीच जा रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उसमें भागीदार होने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।